और मैं आपको ये जो है प्रकाश रेडियो है इसमें मैं आपको धागा चढ़ाने का विधि बतलाऊंगा। और ये जो है ये क्लिप ये टूट चुकी है, इसको मैं चेंज करूंगा। और दोस्तों इसमें जो मोबाइल का कनेक्शन मैं इसमें बनाऊंगा, जब भी आप मोबाइल का कनेक्शन करिएगा तो ये जो है चालू हो जाएगा। तो देखिए वीडियो देखिए, मैं इसको बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको धागा चढ़ाने का आपको विधि बतलाता हूँ। इसको तीन बार लपेटिए, तीन से चार बार, इसके बाद इसमें लगाइए और इसके बाद ये पुल्ली में लगाइए। आप देख सकते हैं जैसा मैंने ये लगा दिया, इसके बाद इसको ऐसे करके घुमाइए और इस धागा को थोड़ा सा टाइट कर लीजिए। इसके बाद घुमा करके इसको टाइट कीजिए, ज़्यादा प्रेस नहीं देना है नहीं तो टूट जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आप कट कर लें। इसके बाद दोस्तों आप इसमें जो है स्प्रिंग को ऐसे बांध दें, इसमें बांधने के बाद आप ऐसे चुमकी से जो है इसको निकाल लें और इसको जो है गांठ लगा दें जैसा मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद फिर ऐसे करके आप जो है इसको ज़्यादा प्रेस नहीं देना है नहीं तो टूट जाएगी। ये ज़्यादा हो गया तो एक गांठ और लगा सकते हैं जैसा कि मैं लगा रहा हूँ। इसके बाद फिर देख लें, ये जो जितना पर हो सके तो आप टाइट कर लीजिए। ये देखिए दोस्तों अब ये बिल्कुल काम कर रही है, एकदम ठीक है। और ये जो है मीटर का मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, ये ऐसे करके आप लगा सकते हैं। ऐसे करके आप लगा दें, यहाँ इस जगह में रखें और मैं इसमें अब गेम क्लिप लगाऊंगा। दोस्तों मैं ये इसमें क्लिप लगा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक दुकान में मंगा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों ये वायर बहुत ही कम लगा हुआ है, ये टूट जाएगी तो उसको मैं फिर से अच्छा से रिपेयरिंग कर रहा हूँ, नहीं तो आप वो कट लगा करके जो है उसको आप पेस्ट लगा दें। पेस्ट लगाने के बाद जो है आप इसको वेल्डिंग कर दें। और दोस्तों हमेशा याद रखिए कि ये जो है ये दोनों टच नहीं होनी चाहिए, ना इधर ना इधर, नहीं तो ये रेडियो जो है ऑफ हो जाएगी और इसमें से साउंड नहीं निकलेगी। तो चलिए दोस्तों ये तो हुआ, इसमें कम नहीं हो रही, इसका मतलब ये ग्राउंड का पिन जो है उठा हुआ है, इस वजह से जो है ये कम ज़्यादा नहीं हो रही है। तो मैं ये ग्राउंड का कनेक्शन कर देता हूँ। अब दोस्तों ये वायर टूट गई है तो मैं इसको भी ज्वाइंट कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं ये इस पर ज्वाइंट कर दिया, अब ये इसमें आवाज़ आनी चाहिए, आ गई। अब दोस्तों इसमें मैं आपको बतलाया था कि मैं इसमें मोबाइल का कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये देखिए, ये जो है आप इसको पिन को चेक कर लीजिए कि ये जो है अर्थिंग, ये जो है सबसे अंत वाला ये माइनस है, ये
ग्राउंड है तो इस पे ग्राउंड कौन सा आ रहा है आप मीटर पे देख सकते हैं। इस पे ग्राउंड नहीं आ रहा है, इस पे भी नहीं आ रहा है, इस पे आ रहा है, तो ये ग्राउंड का है। अब आप इस पे देखिए, ये इसका बीच वाला कौन पे है, तो ये है। इसका आगे वाला देखिए तो ये। तो दोस्तों ग्राउंड को छोड़ करके आप दोनों को एक कर सकते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ। आप ये दोनों को एक कर दिए और ये जो आपको यहाँ पे ऑडियो का जो है तीसरा वीसी दिया हुआ, आप इस पे इसको लगा सकते हैं। तो इसमें आपको कम और ज़्यादा जो है आवाज़ होने लगेगी। तो दोस्तों उस पे जो है आप लगा सकते हैं। अगर दूसरी जगह आप लगाते हैं तो उसमें जो है आपको कम और ज़्यादा आवाज़ नहीं होगी, डायरेक्ट हो जाएगी। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि इस पे लगाइए। ये वॉल्यूम का तीसरा नंबर है और दूसरा जो है आपका ये ग्राउंड है। तो आप ग्राउंड चाहे तो कहीं भी यूज कर सकते हैं। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड आप यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये दूसरा ग्राउंड है। ये ग्राउंड है यहाँ से लेकर के इधर, यहाँ तक आप यूज कर सकते हैं। ये सभी ग्राउंड में आते हैं, इसके इस साइड वाली आपको ग्राउंड नहीं है। तो मैं ये ग्राउंड यहाँ भी आती है, तो मैं ग्राउंड जो हूँ यहाँ भी आती है तो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ। अब दोस्तों देखिए इसमें ऑडियो आएगी। अब इसको मैं मोबाइल से कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ। देखिए दोस्तों चालू हो गया, आप देख सकते हैं। तरह से जो है आप जो है सो कनेक्शन कर सकते हैं, मोबाइल से बजा सकते हैं और कोई सा भी ऑडियो बोर्ड में आप जो है बजा सकते हैं। मैंने आपको रेडियो में बना के दिखाया इसलिए कि हो सके तो आपके यहाँ पुराना रेडियो पड़ा हुआ हो तो आप इसमें बना सकते हैं और आप खुद बना सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आगे मैं और वीडियो आपको नेट पर डाउनलोड करता रहूँगा। तो आप चाहे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही।